वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बातें कर रहे थे कि घर का माहौल कैसा होना चाहिए, मिसेस को किस तरह से होना चाहिए। वो सिर्फ अपनी किस्मत को ना रोया करें कि तुमसे शादी करके तो मैं फंस गई, तुम्हारे घर आकर तो मेरा ये हाल हो गया, मेरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे बट पता नहीं मैंने वहाँ क्यों शादी नहीं की और मैंने तुमसे क्यों शादी कर ली और मेरी किस्मत ख़राब हो चुकी है। बहुत सारी बातें इस तरह की चल रही होती हैं। अपनी किस्मत पर कभी भी ना रोया करें, अलग 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 शुक्र अदा क्या करें, क्योंकि होता ही है कि हर एक शुक्र के बाद अल्लाह पाक आपको एक और नेमत से नवाज रहा होता है। अगर आप शुक्र अदा नहीं करेंगी तो जितनी पेंडिंग में आपकी नेमतें पड़ी होंगी ना, वो आपको नहीं मिलेंगी। तो अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र अदा क्या करें कि जितनी अच्छी लाइफ है, जैसी लाइफ मेरी है वैसी लाइफ किसी की भी नहीं है। अपने से कम तर लोगों को देखा करें, बट अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम अपने से हाई लेवल के लोगों को देख रहे होते हैं हर एक वे में। किसी का डेजिग्नेशन अच्छा है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत खूबसूरत है, उसके बारे में सोच रहे होते हैं, और जो हमसे जो निचले लेवल के लोग होते हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे होते कि उनका भी तो दिल है, उनसे तो अच्छे आप हैं ना। और अल्लाह पाक ने हर किसी की किस्मत अच्छी बनाई है, हर किसी को अच्छा रखा है। तो प्लीज़ आप खुद कॉन्फिडेंटली रहा करें कि नहीं भाई, जो मैं हूँ वो कोई भी नहीं है। तो देखिए आपकी किस्मत भी अच्छी होती चली जाएगी, आप खुश भी रहेंगे और बहुत ही अच्छे भी रहेंगे। नासिर साहब की कॉल आई थी लाहौर से, वो अगेन हमें कॉल कर सकते हैं, और जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो कॉल करें। और डायरेक्ट जो लियाकत सर हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुम साहिबा मौजूद हैं, उनसे बातें करें, अपनी किस्मत का हाल पूछें, अपनी किस्मत पूछें कि मैं पढ़ना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा या पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरी किस्मत कैसी है, क्या मैं पढ़ पाऊँगी या नहीं। सिर्फ और सिर्फ शादी के हवाले से बातें ना क्या करें, उससे हट कर भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। बट होता है कि सिर्फ और सिर्फ लड़के और लड़कियों को शादी का क्रेज़ होता है, शादी कर लें जल्दी जल्दी। और उसके बाद जब किसी ऐसे कॉल भी आ चुकी है, कॉल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन जी? मिसेस आमिर बोल रही हूँ लाहौर से। हाँ जी बोले जी। मैंने ना पूछना था, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो अपने ना सेपरेट घर लेना चाह रहे हैं, तो मैंने पूछना था क्या ये हमें लेना चाहिए या नहीं, या ये मेरे लिए बेहतर है, मैंने क्या करना चाहिए। ओके, अपना नाम बताइएगा। मिसेस आमिर। मिसेस राहील आमिर। ओके जी, और कहाँ से बात? लाहौर से बात कर रही हैं ये जी। इनके बारे में से कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं कुछ भी नहीं जी, जरा प्लीज थोड़ा सा। ओके ठीक है, अब आप एक काम करें, अब आप टीवी देखें, सर आपके बारे में बताना चाहेंगे। ओके थैंक यू सो मच। इनका जो सवाल है वो ये है कि ये अपना घर लेना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली में रहती है, रहते ज्वाइंट फैमिली के अंदर है। सबसे एक तो मैं आपको सच्ची सी बात बताऊं, आज के दिनों में अगर कोई कहता है कि मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं, इससे अच्छा सेक्रीफाइस करने वाले खानदान मुझे मिल नहीं सकता। सब बहुत, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसमें आपको हर उम्र के लोग मिल जाते हैं, बुजुर्ग भी मिल जाते हैं, माएँ भी मिल जाती हैं, दादा दादी भी मिल जाते हैं, बच्चों को भी, उनको सारे के सारे रिश्ते, ताया ताइयां सारे रिश्ते मिल रहे होते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। लेकिन हर इंसान का ये ख्वाब होता है कि उसका अपना घर अपना करो, ठीक है। जब बड़े बच्चे हो जाएंगे तो फिर इसके बाद बर्तन भी बजना शुरू हो गया तो अपना घर हो, तो आपको हर सूरत में अपना घर लेना चाहिए। और जितना कोशिश करेंगे सबसे पहले कि आप ज्वाइंट फैमिली में ही कॉल लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन जी? लाहौर से। सॉरी सर, उस टाइम पता है क्या, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी हमें। जब भी मैंने कहा था कि ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं हमें। नासिर साहब लाहौर से जी बोले जी। आप जो आवाज बड़ी वीक हो रही है, मुझे आवाज पूरी आपको सुन नहीं रहा था। ओके जी, आप बोले, हम आपको सुन रहे हैं जी। जी मैंने आपसे कहा था कि जो ऑप्शन का रिएक्शन जी जी जी, तो दुनिया में सबसे बेहतर जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली चीज है माँ। मुझे नहीं समझ आती है अभी तक, कोई ऐसी कोई गलती नहीं की कि जिस जो भी माँ ने कहा है मैंने ना किया हो। अच्छा जी। लेकिन मेरे जो छोटे भाई है, मैंने सबकी शादी खुद की है, बहनों की भी शादी खुद की है जी। वाले साहब अगर जन्म सिंह कर फौत हो चुके हैं, मैं आज भी भाइयों का भी खर्चा उठा के बैठा हूँ और दो सिस्टरों का जो भी मसला होता है मैं हल करता हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि मेरी वालदा मेरे को ज्यादा प्यार नहीं करती। हम जाते हैं, हम ऐसे जैसे फकीरों की तरह जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अभी लाते सब कह रहे थे ना कि एक्शन का रिएक्शन, और बंदा ये कहता है कि हो जाएगा, हो जाता है। बुरे काम को सोचो हो जाता है, और मेरी
آج بھی خواہش ہے کہ میں اپنی والدہ کو حج کراؤں. میں نے منت سے سمائیدیں کی ہیں کہ میں آپ کو عمرے پہ بھیجنا چاہتا ہوں. میری نہیں سنی انہوں نے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ایک پلاور تھا ہمارا جو سب بھائیوں کو مطلب جس میں تھا والد صاحب کی زندگی میں لیا گیا تھا, وہ انہوں نے بیچا اور اس سے انہوں نے عمرے کا ٹکٹ وغیرہ لے لیا اور ویزا لے لیا. مجھے تب پتا چلا کہ جب وہ تیار ہوگی میں وہاں پہ پہنچاؤں, اور وہاں پتا چلا کہ پیسے نہیں ہیں کہ وہاں پہ خرچے کے لیے. میں نے کہا کہ جتنے آپ کو چاہیے آپ لے لیں, میں نے پیسے بھی دیے, میں نے سب کچھ کیا, لیکن یقین کریں کہ میں نے ایک ہوتا نا کہ ایک روپئے کی بھی یا ایک چیز کی کوئی لالچ کے لیے نہیں, لیکن ہوا کیا واپسی پہ کہ والدہ نے میرے بیٹے کے لیے ایک دو چیزیں لائی ہیں, لیکن وہ مزہ نہیں آیا. مزہ ہوتا ہے دل سے جو چیز لائی ہے ہر چیز. میں نے قسم دے جانا ان کا بیگ تک نہیں کھولا, میں لے گیا ہوں گھر سے وہاں پہ لاہور لے جاؤں, وہاں پہ ایئرپورٹ چھوڑ کے آؤں, واپس آئے گھر چھوڑ کے آؤں. سارے خرچے میں نے کیے الحمدللہ, آج بھی میں کرتا ہوں. میں وہ بندہ تھا کہ میں آفس بوائے ہوا کرتا تھا, آج الحمدللہ میرا لاہور میں اتنا 5000 روپے ڈبل اسٹوری کار ہے, گاڑی ہے, یہ سب کچھ ہے. لیکن میں یہ آپ سے کہ ان کے علاقے سب سے یہ پوچھا کروں کہ ایسی کیا غلطی ہے کہ جو بندہ اتنا کرنا چاہتا ہے, لیکن والدہ وہ دل والی حالانکہ کوئی ہوتا نا ستولی والی کوئی بات نہیں ہے. جی میری ماں مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مجھ سے کیا غلطی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. جو غلطیاں کی ہیں میں نے معافی مانگی ہے, آج بھی آؤں تو معافی مانگ کے آؤں, لیکن یقین کرے کہ سکون نہیں ہے. پلیز ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ناصر صاحب, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ. جی دیکھیں یہ اکیلے نہیں ہے, بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہی ہے. صرف پہلے والے کا کیوں نہ ہم جن کی پہلے کال آئی تھی ان کا جواب دے دیں تاکہ پھر ان کی طرف آتے ہیں. پہلے والی کال پہ ہم جو جواب دے رہے تھے کیا تھا انجم, وہ سیپریٹ ہونا چاہ رہے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو اپنا گھر بنانا چاہیے, اس گھر کو بنائیے ضرور, بنانے کے بعد کرائے ورائے پہ دے دیجئے جب تک آپ کو ضرورت نہیں ہے بدلنے کی. جب آپ کو ضرورت ہو بدلنے کی تو آپ بدل لیجئے گا, ٹھیک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو پھر نہیں بدلیے گا, بچے بڑے ہیں تو پھر آپ بدل لیجئے گا. اور آپ کی فیور میں ایک کارڈ آیا تھا, میں نے دیکھا تھا اس وقت, آپ لوگ گھر بنا سکتے ہیں اور کوشش شروع کر دیجئے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. اچھا یہ ان کی جو بات ہے دیکھیں انتہائی دکھ کی بات ہے ناصر صاحب, ٹھیک ہے جی, انتہائی دکھ کی بات ہے. لیکن یہ اکیلے نہیں ہیں, ایسے پرابلمس بہت سارے ہمارے معاشرے میں. سب سے پہلی بات یہ کہ بہت زیادہ خوش نصیب انسان ہے جو اپنے بھائیوں کو بھی لے کے چل رہا ہے اور اپنی بہنوں کو بھی لے کے چل رہا ہے, پورے خاندان کو بھی, ہاں, اور بھائیوں کو بھی شادیاں کرائی ہیں, بہنوں کی شادیاں بھی کرائی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ بوجھ اسی ٹہنی کے اوپر ہوتا ہے جس میں برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے, اور یہ ذمہ داری اللہ نے دینے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے بڑے بھائی باپ ہونے کا حق ادا بھی کر رہا ہے, تو اپنے باپ کا رول بھی ادا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سے. اب رہی یہ چھوٹی سی بات, یہ خاندانوں میں ہوتی ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے عام طور پہ جو اسپائل بچے ہوتے ہیں وہ ماں کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں. جی پتا ہے آپ کو, جو بچے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو تھوڑے سے ٹیڑے ہوتے ہیں نا, وہ ماں کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ بہت اہل بچہ ہے اور بہت اچھی طریقے سے اپنے خاندان کو, اپنی ذمہ داری کو ادا. تو دوسرے جو بچے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ اسپائل ہوگا, ماں اس کے قریب ہوگی. جی ماں اس کے قریب ہوگی, اسے محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ کہیں بھٹک نہ جائے, کوئی غلط نہ کر جائے یا کسی غلط کام میں نہ لگ جائے. تو اس وجہ سے ان کے اوپر ہو سکتا ہے توجہ کم ہو. لیکن ایک میں نے کارڈ نکالا ہے, اس کارڈ کو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی. یہ دیکھیے گا, یہ ایک کارڈ ہے جس میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, اس نے اپنے چاروں طرف لگائی ہوئی ہیں تلواریں. جی تلواریں, جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اگر اس کارڈ کو اگر دیکھیں گے, جو تلواریں ہیں نا, یہ ان کا فیئر ہے, خوف ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گرد ایک باڑ بھی لگائی ہوئی ہے. جی دیکھیں یہ تو ان کو تو نظر نہیں آ رہا, لیکن کہیں نہ کہیں گڑبڑ موجود ہے, کہیں نہ کہیں گڑبڑ موجود ہے کہ یہ اس باڑ کو کراس نہیں کرنا چاہ رہے. ان کے پاس کہیں نہ کہیں لمیٹیشنز ہیں, کہیں نہ کہیں کنفلیکٹ موجود ان کے پاس بھی, ٹھیک ہے. یہ باڑ انہوں نے خود لگائی ہے. اب وہ یا تو یہ جلدی الگ ہو گئے ماں باپ سے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ بات ذہن میں بیٹھ گئی. دوسرے بھائی بہن بھائی ساتھ رہتے ہوں گے, کہیں نہ کہیں باڑ موجود ہے جو ان کی والدہ کے ذہن میں بیٹھ گئی. لیکن ایک بات بتا دوں, آپ ان چیزوں کو بالکل بھی محسوس نہیں کیجئے. آپ کا جو رویہ ہے, آپ کا جو کردار ہے اپنے گھر میں, بڑے بھائی والا یا باپ والا, ویسے کہ ویسے ہی چلنا چاہیے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بالکل ذہن میں نہیں رکھیے. اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا. اور میں آپ کو بتاؤں,
अम्मा ने गलत कर दिया, अम्मा उसका हिसाब देंगी, अगर आप गलत करोगे तो फिर आपको अपना हिसाब देना पड़ेगा। तो आप अपनी तरफ से क्लियर रहें और मैं समझता हूं कि आप क्लियर हैं। एक और जरा बात सुनिएगा, मेरे दो दोस्त हैं, एक दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों भाई हैं आपस में, एक बहुत अच्छा है, एक स्पॉइल है। जो स्पॉइल भाई है वो इतना नहीं कमाता, जो अच्छा भाई है वो उसको फीड करता है, उसको खर्चा वर्चा देता रहता है। मैंने दोनों उससे पूछा, छोटा वाला जो ना वो उससे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ, बड़े वाले को सॉरी बड़े वाले से मैंने बात पूछा, मैंने कहा आपका एक भाई अच्छा नहीं है आपको कैसा फील होता है? बोला मुझे दुख होता है। ठीक है, और मैंने कहा आपका जो भाई अच्छा नहीं है ना ये आपको दुख होता है, ये आपकी किस्मत है जिसको आप किस्मत कहते हो, और अगर आप अच्छे हो तो उसकी किस्मत अच्छी है, उसकी किस्मत अच्छी है क्या उसको आपको इतना अच्छा भाई मिला हुआ है। तो उन लोगों की वाकई बहुत किस्मत अच्छी है कि आप जैसा भाई उनको मिला हुआ है। जी सही बात है। और नासिर साहब मैं भी एक मैसेज देना चाहूंगी आपको कि आप अपना दिल छोटा मत करें, आप खुश रहें, और अपनी अम्मा जो आपका अगर उनका किरदार अगर उनका बिहेवियर आपके साथ सही नहीं है तो माँ तो होती ही बहुत ज्यादा प्यार करने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि माँ से ज्यादा कोई भी प्यार करने वाला नहीं होता है। बट समटाइम ऐसा होता है कि शायद आपके मिसेस की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, या उन्होंने अकेले में उनसे कोई ऐसी बात की हो, या फिर होता है ये कि जो भाई बहन घर पे रहते हैं और जो दूसरे भाई उनकी बीवियां घर पे होती हैं तो उनसे ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना, कि वो साथ में घर में रह रहे हैं, उनसे ज्यादा मेल मिलाप होता है, आप लोगों से कम मिलना जुलना होता होगा। अगर आपकी अम्मा का घर करीब है तो आप उनके घर डेली जाया करें, डेली मिला करें, उनके हाथों पैरों को चूमा करें और माफी भी मांगे कि क्या कोई ऐसी गलती हुई है कि जिसकी आपने मुझे अभी तक सजा दी हुई है, या मुझसे आपका रवैया ठीक नहीं है क्योंकि मैं अकेले में रोता हूँ आपके लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है जो माँ जितने जो बच्चे होते हैं ना, जितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, वो माँ बाप के तो बच्चे ही होते हैं ना, उनके सामने बच्चे ही रहते हैं, तो उनका दिल दुखता है। जाहिर सी बात है जब आप जाते होंगे अपने दूसरे भाई बहनों का प्यार उनके लिए देखते होंगे, अपना प्यार, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार कम करती होंगी बट वो शो ऑफ कम कराती होंगी, क्या पता दूसरे बच्चों की वजह से ऐसा भी होता है ना। अंजुम क्या कहेंगे आप इस बारे में? बाजों का ऐसा होता है कि कुछ लोगों की नेचर में ऐसा नहीं होता, वो हर वक्त शो ऑफ नहीं करना चाहते। और वाकई जो इन्होंने बात की पहले कि एक माँ अपने स्पॉइल बच्चे से ज्यादा करीब होती है क्योंकि उससे ज्यादा डर होता है उसके लिए, ज्यादा फिक्र रहती है उसके लिए, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि वो बाकी बच्चों से मोहब्बत नहीं करती, बस थोड़ी सी फिक्र कम हो जाती कि नहीं कम से कम अगर मैं भी नहीं रहूंगी तो मेरे बाद ये लोग चलेंगे, अपने आप को संभाल लेंगे, अपनी पूरी बाकी बहन भाइयों को संभाल लेंगे, अपनी फैमिली को लेकर चलेंगे, लेकिन सिर्फ ये बच्चा नहीं कर सकेगा, तो इसलिए उसके लिए वो आखिरी सांस तक तवज्जो बढ़ा के रखती हैं। और जहां हमारे पास खुद गड़बड़ है वहां हमें अपनी क्लियर करनी चाहिए, और जितना हम कर सकते हैं हम अपना काम करते जाएं, दूसरे से तवक्का ना रखें कि वो उसका रिटर्न दे। अगर आप तवक्का रखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और जितना आप करेंगे वो सब वेस्ट हो जाएगा, इसलिए तवक्का मत रखें। मैं यही कहती हूँ हमेशा, इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि मैंने कल ही शो में कहा था कि किसी से भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखी तो इसका मतलब है आप खुद को स्पॉइल कर रहे हैं, क्योंकि इंसान डिसहार्ट हो जाता है ना। अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अंजू मुझे पानी पिला दे, नहीं पिला रही, ना पिलाए मैं खुद उठाकर पी लूंगी, और ये नहीं कि कुछ एक्सपेक्टेशन रखे कि अंजू मेरे बारे में ऐसा कहें या लियाकत सर ने कुछ कह दिया और उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा, उनको ये कहना चाहिए। इनफैक्ट होता ही है कि मतलब खुश होना चाहिए हमें कि अगर आप आ गए हैं, आप मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं मुझसे, तो थोड़ी सी चीजें जो होती है ना, छोटी छोटी सी चीज, उस चीज को इंसान अगर वो करे उसी तरह से हैप्पली ले तो भी इंसान खुश रहता है। और ये सोचे ना कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए उसकी लाइफ में, क्योंकि किसी भी इंसान को सारी चीजें नहीं मिल रही होती है, किसी को कुछ अच्छा मिलता है तो किसी को कुछ बुरा मिल रहा होता है। और अगर नासिर साहब ये सोच लेना सिर्फ इतनी सी चीज के जो वो कर रहे हैं या जो उनको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियां दी हैं उसको अगर बस खुशी से निभाते जाएंगे ना तो उनको दुख भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगा। ये उनका रोल है जो उनको अल्लाह ताला ने दिया है। ये दुनिया एक स्टेज है, आपको अपना रोल प्ले करके जाना ही जाना है, तो बजाय इसके कि आप रो पिट के जाओ कि हाय मैंने क्या किया या मुझे ये करना पड़ रहा है ऐसे करना पड़ रहा है, आप खुशी खुशी वो सारे काम करके चले जाओ, आपको किरदार अदा करना पड़ेगा। और वो दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो उनका रोल है, वो उनको मिला हुआ है, और वो जब तक वो ये सब नहीं करेंगे तब तक उनकी भी जिंदगी नहीं चलेगी। तो इनको काम ही करना है। सही लियाकत सर, कुछ मेरे बारे में बताएं बट पॉजिटिव बताइएगा प्लीज। सारे लोग देख रहे हैं ना मुझे, ऑन एयर में क्या करूं। मेरे बारे में कुछ बताएं आप, मेरी लाइफ कैसी गुजरने वाली है। और इत्तफाक है कार्ड जो है ना वो अच्छा ही आया है। oh, और oh, मैंने निकाला है, और मगर पता नहीं क्यों ये मटेरियल का कार्ड आया है, मटेरियल मतलब फाइनेंस का कार्ड आया है, फाइनेंस का कार्ड है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि आपके फाउंडेशन ये बता रहा है कि अच्छी है, बेहतर है, बेहतर
जहां से भी आपने स्टार्ट किया वो बेहतर है, लेकिन उस फाउंडेशन जो बहुत ज्यादा अच्छी है उसको इतना अच्छा आप केश नहीं कर रही, नहीं कर रहे, नहीं कर रही। फाउंडेशन आपकी अच्छी है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, उस स्ट्रेंथ को आप हो सकता है थोड़ा सा कम करती जा रही हो। कम करने का मकसद है कि आपके पास पावर्स अच्छी है, आपने वैसे निभाया नहीं उसके कहीं ना कहीं आप डंडी मार रही हैं, चाहे आप एजुकेशन में मार रही हो या करियर में मार रही हो, ठीक है। अब उसी पावर के लिहाज से करियर में मार रही हूँ, मार रही हूँ, है ना। तो उसी पावर के लिहाज से अगर आप अपनी एक्सपर्टीज को यूज करेंगी तो ये 4 का कार्ड है। 5 का मकसद होता है कि आप एवरेज हो जाते हो, 6 का मकसद होता है कि आप एवरेज से ज्यादा पा रहे होते हो, 4 का मकसद है कि आप एवरेज से थोड़ा सा कम पा रहे हो। इसका मतलब है कि आप एवरेज से बहुत करीब हो, आप आराम से इन चीज को अचीव कर लोगी। ये कार्ड जो है 6 महीने का होता है, 3 महीने आपके गुजर चुके हैं, अगले 3 महीने में आप एवरेज पे आ चुको आ जाओगी। इसके बाद आपका देखा जाए, मेरे लिए भी दुआ करें, हमने कर दी दुआ आपके लिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैरा। ठीक है जी, अब मैं ज्यादा फोकस करूंगी कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करना चाहिए। जितने कोर्सेज हैं, जितनी पढ़ाइयां हैं, जो चीजें छोड़ी हैं उनको आप वो कंप्लीट कर लूं, जितनी चीजें इनकंप्लीट है मेरी इंशाल्लाह। अच्छा मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वो बाज़ों का प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आती है। जैसे मेरा बच्चा चीखता है कि ये अलजबरा क्यों है, वाकई क्यों है, समझ नहीं आती, इसका क्या काम है हमारी लाइफ में। आपको बताओ, ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन होता है तो आपको एक पिन देते हैं, उसे बताते हैं कि इस पिन के फायदे लिखें। आप कहते ज्यादा मैं कागज को जोड़ लूंगी, लेकिन जब आप उसको लिस्ट करने के लिए बैठे तो 101 उसके फायदे उसमें लिखने को आए, तो आपका दिमाग खुलता है इस किस्म की वर्किंग करने से। अगर आप अलजेब्रा भी करते हो आपका दिमाग खुलता है, नो डाउट इसके बहुत सारे फायदे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट हमें ऐसा लगता है कि बस वो हम उसका फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत सारे कोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके काम ना आ रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपके रास्ते खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे, जहन आपका खुलेगा, आपके आगे चल के काम आएंगे इंशाल्लाह। ओके सर, शादी के हवाले से कुछ बताएं कि लड़कियां आपके पास आती हैं, लड़के आते हैं, लड़के जब आते हैं तो कॉल आ गई है, मेरी बात कंप्लीट नहीं होती। खैर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने दोबारा इसलिए कॉल की, नासर बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा जी, तो मैंने फिर ये एजेंसी से पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने अपने लिए पूछा कि मैं यहाँ लाहौर में जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बेहतर है या कि मेरे लिए गोदा में जो मेरी जमीन वगैरह है मैं वहाँ पे जाके खेती कर, गोदा में इनकी जमीन, मैं आपसे अपना नया बनाना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे एक दफा पूछ। ओके जी नासिर साहब, आप देखते हैं आपको जवाब मिलता है अभी। थैंक यू जी मेहरबान, थैंक यू। सरगोदा में इनकी जमीनें हैं वो ठीक है या लाहौर में? लाहौर, लाहौर इनके लिए हर लिहाज से अच्छा है। ओके, हर लिहाज से अच्छा है, ग्रो भी करेंगे और चीजें भी बेहतर होंगी। ठीक है जी, ठीक है। सरगोदा में उसके पास, उनके पास कंफ्लिक्ट हैं, हो सकता है ये खुद भी न जाएं, हो सकता है घर वाले न जाने चाहें, या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है, कोई लेकिन लाहौर बहुत अच्छा है लिहाज से। ठीक है जी, तो आप लाहौर में ही रहें, लाहौर में ही अपना बिजनेस करें, इंशाल्लाह उसी में आपको तरक्की मिलती रहेगी। ओके जी, मैं शादी का पूछ रही थी आप। जी शादी के हवाले से बताएं। असल में शादी के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान होते जी, खासतौर पर लड़कियां, उम्र निकल रही जी, होती जी, है, वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। मगर मैं समझता हूँ कि शादी का टारगेट करने से अच्छा हर बंदा अगर अपने करियर का टारगेट हाँ करे, शादी तो हर सूरत में हो ही जाती है, शादी करियर में आने के बाद उसके बाद शादी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो शादी में मैंने इस वजह से पूछा सर आपसे कि ज्यादातर जो लड़के और लड़कियों का है ना वो शादी की, शादी पे ज्यादा फोकस होता है, अपने करियर पे नहीं होता है, अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपने मुस्तकबिल, मतलब ये सारी चीजें होनी चाहिए, बट वो समझते जैसे 15-16 के हुए बस समझते कि फौरी बस अब शादी ही लाइफ में कुछ भी नहीं है। उसकी वजह है ना, लड़कियां इसलिए उस पर तवज्जो नहीं देती, उसको पता है कि मेरे लिए कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट पहले कहीं बन रहा है, कहीं बन रहा है, बिल्कुल सही, वो तवज्जो नहीं देती है। तो शादी के लिए ऐसी बच्चियां जिनकी शादी नहीं होती है, जिनकी एज निकलती जा रही है, लड़के भी लड़कियां दोनों के लिए, उसके लिए अंजुम बताएंगी एक बहुत ही खूबसूरत सा टोटका है। असल में ऐसे लोग जो ज्यादा ब्लैक यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उनके पास प्रॉब्लम आती है। क्या यूज करते हैं सर ज्यादा? ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, चाहे वो कपड़ों में है, ज्वेलरी में है, आपके पर्स में है, शूज में है, व्हाटएवर आपके सराउंडिंग की चीजों में, जो ब्लैक कलर बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनके पास रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। शादीशुदा लाइफ में हो तब भी डिस्टर्बेंस होती है, और अगर शादी नहीं हुई भी तो शादी लेट होती है,
या ब्रेकअप्स होते रहते हैं, मंगनियां हो के खत्म हो रही होती है, रिश्ते ही नहीं आ रहे होते, या आ रहे होते हैं रिश्ते, बात कहीं नहीं बन रही होती, ये सब चीजें चलती, मतलब रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं उनके पास. तो ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए, हालांकि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है ब्लैक कलर, लेकिन फिर भी ब्लैक कलर मुझे इस वजह से वो हो रही ना हैरानगी, मैं बहुत ज्यादा पहनती हूँ. हाँ नहीं, अच्छा ओकेजनली पहना करें, कभी कभी पहना करें, कभी कभी ओके. और अगर पहन भी रहे हैं तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई और कलर उसके साथ कंट्रास्ट में डोमिनेटिंग हो, ठीक है, फुल ब्लैक ना हो, फुल ब्लैक ना हो. तो बहुत कम अगर रेयर, कोशिश करें कि ब्लैक हो ही ना, नहीं रखें बेशक अपने साथ, क्योंकि ब्लैक अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, लेकिन कम से कम, कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए. कुछ लोगों को इतनी बुरी आदत होती है कि वो ब्लैक के बगैर उनकी जिंदगी चलती नहीं, चलती नहीं है, सही तो बात ये है. गलत है, क्योंकि ब्लैक कलर हमारी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहा होता है. जगह शादी के लिए आपको एक छोटा सा टोटका बताऊं, बहुत सिंपल है, लोग घर में आराम से कर सकते हैं. 1.25 पाव लाल मसूर की दाल लेंगे जी, उसे लाल कपड़े में डालेंगे. लाल कपड़ा जो होगा वो नया हो, पुराना ना हो, ओके, बिल्कुल कॉटन, कॉटन सूती मलमल कुछ भी हो व्हाटएवर, जो आपको आसानी से मिल जाए. 1.25 पाव जो लाल मसूर की दाल लेंगे वो आप उसके कपड़े में डालेंगे तो वो एक पोटली सी बन जाएगी जी, बिल्कुल. ऐसी 7 पोटलियां बनाएंगे, 7 पोटलियां एक साथ बना के रख लें. उसके बाद हफ्ते वाले दिन यानी असर हफ्ते को, सैटरडे को असर मगरिब के दरमियान उसमें से एक पोटली उठाकर, फर्ज करें आप हैं तो आपके सर से उल्टी घुमाई जाएगी, घड़ी की सुई ऐसे चलती है तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स उसको वारना है आपके सर, ठीक है. उसको वारने के बाद उसे दरिया या समंदर में फेंकना है. जरूरी नहीं है कि उसी वक्त जाकर फेंकेंगे, आप उसके अगले दिन फेंक सकते हैं, 2-3 हफ्तों के साथ जमा करके फेंक सकते हैं, इवन के जब ये 7 रेमेडी हफ्तों की पूरी हो जाए तब लास्ट में भी फेंक सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये 7 जो पोटलियाँ बनवाई हैं स्टार्टिंग में, वो इसलिए हैं कि इस तरह से हर हफ्ते को असर मगरब के दरमियान 21 दफ़ा एंटी क्लॉक वाइज ये पोटलियाँ वारनी है, एक एक यानी हर हफ्ते को एक पोटली इस्तेमाल होगी, और एक हफ्ता भी स्किप नहीं होना चाहिए. अगर आए एक हफ्ता भी स्किप होता है आपको ये काउंटिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी. तो आपको ये रेमेडी मुकम्मल करके उसके बाद दाल को और कपड़े को खोल के ले जाके दरिया या समंदर में फेंकेंगे. तो इंशाल्लाह ताला जिस जिसके पास रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, या जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, या जिनके रिश्ते आ रहे हैं बात नहीं बन रही, या अब ऐसे भी लोग हैं जिनकी मंगनियां होके 6-6, 8-8 साल हो गए, शादियां नहीं हो पा रही हैं, सही, कोई लोग कुछ ना कुछ कहते हैं रुकावट है, बंदिश है, नजर है, इंशाल्लाह ताला सारी चीजें खत्म हो जाएंगी. अंजुम एक चीज मुझे क्लियर करनी थी कि ये 1.25 पाव दाल जो है ये एक रेड कलर का कुछ भी कपड़ा हो, किसी भी चीज का कपड़ा हो, इस वजह से पूछ रही हूँ, क्या पता बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज आ रही हो, 1.25 पाव दाल को अलग अलग करना है या 1.25 पाव अलग एक कपड़े में, 1.25 पाव अलग एक कपड़े में, 1.25 पाव 1.25 पाव हर पोटली 7 टाइम्स रखना है हमें, ठीक है जी, और एक ही बार रखना है इसको, बना के एक दफा रख लेंगे ना तो ये होगा कि हर हफ्ते निकालते रहे, हाँ, बस निकाल के वारी और रख ली, ठीक है. वरना फिर ये होता है कभी कपड़ा नहीं है, कभी दाल नहीं है, भूल, एक साथ मंगा कर रख लिया, तो आपने एक साथ बना के रख ली, मोबाइल में अलार्म लगा ले हर हफ्ते को, रिमाइंडर कर दे, पर जैसे रिमाइंडर बचेगा आपने पोटली उठाई वारी और रख ली, ठीक है जी. और ये लड़के लड़कियां सारे कर सकते हैं, बिल्कुल लड़के भी करें लड़कियां भी, असल में शादी का या रिलेशनशिप का जो कलर है वो ऑरेंज या रेड है, ठीक है, और इससे बेहतर होता है. अब आप, मैं आपकी मिसाल दूं, आपने काला कोट पहना हुआ है लेकिन आपका कंगन ऑरेंज है, बिल्कुल देख सकते हैं ये कंगन ऑरेंज है, और आपकी लिपस्टिक भी ऑरेंज ही लग रही है, रेड नहीं लग रही है, ठीक है. तो डोमिनेटिंग इन्होंने कहा, डोमिनेटिंग अगर आप पहनते हैं तो डोमिनेटिंग कर लीजिए. अच्छा एक और बात बता दूं, हम आज ही अपने फेसबुक के पेज पे ये पूरी रेमेडी उर्दू में लिख के डाल देंगे, ठीक है, और हमारे फेसबुक के पेज का नाम है facebook.com/tarocouple, ओके, ठीक है, टैरो कपल, वहाँ पे ये आज ही डाल देंगे, अगर जिसको समझ में नहीं आए वो वहाँ से लिख देख पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है जी. बहुत ही अच्छी बात बताई आपने. और जिस तरह सर आपने ये बताया कि शादियों के हवाले से जो लोग पूछते हैं, लड़के और लड़कियाँ खासकर, आंटियाँ आती हैं आपके पास, आंटियाँ जी बिल्कुल आंटी आती हैं, क्या लेकर आती हैं अपनी प्रॉब्लम, क्या पूछती हैं आपसे? बड़ी अजीब बात है कि पहले जो हम लोग सुनते हुए आए वो नंद और बहू के बड़े मसले आया करते थे, मगर हमारे पास इतने आते नहीं है. हमारे पास इस वक्त दूसरी औरत का मसला आता है, ओहो, या कभी कभी दूसरे मर्द का भी. अच्छा, हाँ, मतलब वाइस वर्सा है, दोनों चीजें बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब औरत का तो समझ आती है बट मर्द का भी, मर्द का भी, हाँ,
तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और उस प्रॉब्लम में भी यही जो टोटका है इसको इस्तेमाल करके बेहतर किया जा सकता है। सो ये दाल वाली या कलर दाल वाली? दाल वाली, ये दोनों एक ही टोटका है, ये एक ही है। अच्छा अच्छा, जो रेड कपड़ा और ऑरेंज दाल का, ये रेड और ऑरेंज ही है जो हमारे रिलेशनशिप को बेहतर कर रहा है। अच्छा, और ये ब्लैक ब्लैक को छोड़ना, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ चीजें और बता देता हूँ मैं आपको। जी बिल्कुल, प्लीज। सबसे पहले बेड के नीचे सामान नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आप सोते हैं नीचे से खाली, ठीक है, वहां पे सामान नहीं होना चाहिए। आपका बाथरूम का सिंक या आपके किचन का सिंक कभी भी लीक नहीं होना चाहिए। ये फेंग शुई अगर आप पढ़ोगी तो आपको अंदाजा होगा, ये चाइनीज इल्म है। अच्छा जी, ठीक है, ये कभी भी, ये बड़ी अजीब सी चीज है कि सिंक लीक है और लड़ाई हो रही हाँ। है, लेकिन ये होती है। होती आपका है। घर का मेटल लोहा डस्टी होगा, उस पर मिट्टी जमी हुई होगी, वो लोहा ग्रिले हो, चाहे आपके दरवाजों के नॉब्स हो या आपके बर्तन हो, तो आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम फैल होगा, भले वो कोई भी रिलेशनशिप हो। इवन रिलेशनशिप का मकसद हम सिर्फ मियां बीवी का रिलेशनशिप ले रहे हैं ज्यादातर, हाँ, दूसरे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। जी, ठीक, दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए आपको अपने घर में सॉल्ट लैम्प रखना चाहिए, जो बहन भाई आपस में लड़ते हैं जी। या इस किस्म के, तो सॉल्ट लैम्प नमक का जो लैम्प है वो आप अपने घर में रखें, तो वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह खत्म हो सकती है। अच्छा, अगर बहन भाइयों में लड़ाई होती तो ये रखना चाहिए, हाँ, सॉल्ट लैम्प। और हस्बैंड वाइफ की जिनकी प्रॉब्लम होती है वो बेड के नीचे कुछ ना रखें, और उनका सिंक वगैरह जो लीक हो, और डस्ट नहीं होनी चाहिए, जाला नहीं होना चाहिए घर में। और अटैच बाथ अगर है तो हाँ। अटैच बाथ में होता क्या है, दरवाजा खुला रहता है बाथरूम का थोड़ा सा, बिल्कुल हाँ, वो नहीं खुला होना चाहिए, आपका बाथरूम लॉक होना चाहिए हर वक्त। और उसके अलावा बेड पर पिलो जो है वो अक्सर लोगों की आदत है, दो के बजाय चार चार दस दस रखते हैं जी। आजकल तो ट्रेंड भी हो चुका है, वो इतने इतने कुशन और लाइन बहुत ज्यादा कुछ रखते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बेड पर सिर्फ दो पिलो होने चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए, एक ना हो और दो से ज्यादा ना हो, ज्यादा ना हो, पिलो भी सिर्फ दो रहने चाहिए। हाँ, बाजू का कुछ लोगों का ऐसा मसला होता है कि उन्हें सोते हुए लाजमी दो तकिए रखने, तो दो के बजाय एक मोटा तकिया रख लें। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा हैवी हाँ। जो होता है हाँ, वो रख लें ताकि दो तकिए ना हो, तीन ना हो जाए, चार ना हो जाए, तो ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ये भी रिलेशनशिप को खराब करता है। उसके अलावा बेड जब हमारा रखा होता है तो कुछ लोगों के पास क्या होता है कि बेड के ये चार साइड्स होते हैं जी, उसमें से दो साइड दीवार से लगे होते हैं और दो साइड से व्यूज के काबिल होते हैं, जिसमें से एक और पैरों का साइड होता है, अक्सर वो ऊंचा होता है, वो भी यूज नहीं हो सकता। तो बेड को हमेशा सिर्फ सर की साइड से दीवार की साइड लगाएं, तीन साइडें खुली होनी चाहिए। अगर स्पेस इतना नहीं है कि बेड को इतने जगह दें, कमरा छोटा है कुछ ऐसा है, तो आप चार से छह इंच दूर कर लें बेड को दीवार से, बट बिल्कुल वो दीवार से ना लगे, दो तीन इंच भी दूर, थोड़ा स्टाइलिश लुक भी आ जाएगा, दो तीन इंच ही दूर कर लें। ठीक है जी, टाइम अब बहुत ही शॉर्ट है, मेरे पास इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पता कॉल्स भी आ रही है वहाँ से, बट वो आ नहीं पा रही है क्योंकि टाइम अब वाइंड अप का हो चुका है। फर्स्ट आवर का जो है आपको अब इजाजत देनी होगी। सर, आप पहले कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, देन मैं अंजुम की तरफ आऊंगी, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। सालिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज की प्रॉब्लम जो है ना वो हमारे अपने अंदर होती है जी, हम उसको बाहर ढूंढ रहे होते हैं, हम दूसरे रिश्तों में ढूंढ रहे होते हैं। अगर हमने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया, अपने आप को क्लियर करना शुरू कर दिया, अपना रवैया बेहतर करना शुरू कर दिया, अपनी जुबान बेहतर करना शुरू कर दी, तो ऑटोमेटिक तमाम चीजें सही हो जाएंगी। सही बात है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अंजुम, आप क्या कहना चाहेंगी? इतनी सारी बातें की हैं और कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि और मजीद इससे क्या बोलूं क्या कहूं, लेकिन अगर मैं सिर्फ इनकी बात को कंटिन्यू करूं कि हमारे अपने एंड पर गलतियां जो होती हैं हम उसे सुधारना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। हमारे पास जो स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, चाहे वो पहले औरतों के पास स्ट्रेस होता था, आजकल मर्दों के पास बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि हमारे पास बर्दाश्त कम हो गई है और हम लेट गो नहीं करते, हम जितना लेट गो करेंगे उतना ज्यादा सुकून में रह सकेंगे, तो लेट गो करना सीखें। बहुत अच्छी बात कही आपने, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैरा अंजुम, थैंक यू सो मच। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, टाइम निकाला आपने, और इतने जो हमारे व्यूवर्स ने कॉल किए उनको इतनी अच्छी बातें बताइए, मुझे स्पेशली बहुत अच्छी बात बताइए। और रेड ऑरेंज कलर अब मैं ज्यादा पहना करूंगी, ब्लैक को साइड पे रखूंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, जी नाज़िम, देखा आपने लियाकत सर ने, अंजुम साहिबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं हमें। अपना अपनी किस्मत पे ना रोया करें, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जाते हैं हम ब्रेक पे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होंगे।